होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों विदाउट मेकअप मैं आप लोग के सामने हूँ। मैंने कोई मेकअप नहीं किया है क्योंकि अभी मैंने अपने स्किन को क्लीन किया है इस होम मेड सोप से। जी हाँ, मैंने ये घर के बने सोप से अपने फेस वॉश किया है और ये जो क्लिप है वो आपको आगे के वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों ये जो होम मेड सोप है इसे बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। और हाँ दोस्तों, ये स्किन वाइटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो स्किन का कलर हो, चाहे वो फेस का हो, चाहे वो हैंड का हो या लेग का हो, कहीं पे भी आप चाहते हो कि स्किन कलर हमारा साफ हो जाए, तो आप इस होममेड सोप को यूज कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, मार्केट में जो भी सोप मिलते हैं बहुत ज़्यादा केमिकल वाले होते हैं, तो केमिकल के सोप नहीं लगाना है आपको। तो इस सोप को ट्राई करना, इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ही आसानी से ही बनता है और बहुत ही सस्ते सामानों से बनता है। यानी आपको बहुत ही महंगे सामान नहीं यूज करने, हो सकता है कि वो सामान आपके घर में भी हो तो आपको मार्केट से कुछ लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो दोस्तों, मैं बताती हूँ कि आपको ये सोप कैसे बनाना है और साथ में मैं बताती रहूँगी कि इस सोप का बेनिफिट्स क्या है, इसमें जो भी चीज़ें यूज किया उसका बेनिफिट्स क्या है हमारे स्किन के लिए, वो सारी डिटेल आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, इसके मत करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। और पहली बार चैनल पर आओ तो नीचे जो रेड कलर का बटन है ना भाई साहब, उससे दबा दो सब्सक्राइब का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका सब्सक्राइब मुझे मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं और वीडियो आप लोग के साथ, अच्छे अच्छे यूजफुल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती रहूँ। और हाँ दोस्तों, मेरा दूसरा चैनल ग्लैम शुदी को विजिट कर रहे हो कि नहीं, मैंने वहाँ पर आप लोग के लिए बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं, मेकअप रिलेटेड वीडियो शेयर किए हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट का रिव्यू भी आप लोग के साथ शेयर किया है और जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए। तो प्लीज़ इतना प्यार आपने इस चैनल को दिया है, उतना ही प्यार मेरे दूसरे चैनल ग्लैम शुदी को दीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब ज़्यादा बकवास ना करके चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलो देखते हैं कि कैसे बना रहा है इस होमेशो को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ये साबुन तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। दोस्तों यहाँ पे मैंने मुल्तानी मिट्टी को आधा घंटे पहले भिगो दिया है। ये ढेले वाली मुल्तानी मिट्टी थी जिसका वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, 10 रुपये में काफ़ी ज़्यादा मिल गई थी। तो दोस्तों आप चाहो तो यहाँ पर अगर मुल्तानी मिट्टी पाउडर है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। सेकेंड मैं ले रही हूँ सोप बेस, जो है ग्लिसरीन सोप बेस। इसमें 99% ग्लिसरीन है, बिल्कुल भी केमिकल नहीं है। इसे ऑनलाइन मैंने परचेस किया है, आप चाहो तो पेयर साबुन भी यूज कर सकते हो। तीसरा मैं ले रही हूँ बादाम का तेल, जो है बाओ ऑर्गेनिक का। आप यहाँ पे कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, नारियल तेल वगैरह भी यूज कर सकते हो। और सबसे आखिरी में मैं लूँगी ऑरेंज पील पाउडर। दोस्तों ये संतरे के छिलके का पाउडर है, ये खादी का है जिसे मैंने ऑनलाइन परचेस किया। आप चाहो तो घर में भी संतरे के छिलकों को सुखा कर पाउडर तैयार कर सकते हो। ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है हमारे स्किन के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सोप बेस ले रहे हैं। मैं लगभग 100 ग्राम सोप लूँगी। दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ा सोप मैं नहीं बनाऊँगी, दो छोटे छोटे सोप बनाऊँगी जो 15 से 20 दिन तक चलेंगे। उसके बाद फिर हम नया सोप बना लेंगे, तो एक साथ बनाने के रखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले से हम कट करेंगे और बड़ी आसानी से कट जाता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है दोस्तों, क्योंकि ये 99% ग्लिसरीन है। आप पेयर साबुन यूज़ कर सकते हो पर उसमें केमिकल होता है और केमिकल हमारी स्किन को नुकसान करता है। होममेड बना रहे हो तो आप सोप बेस का यूज करो। इसे मैंने अमेजोन से मंगाया था, ये लगभग मुझे 220 रुपये का पड़ा था, 950 ग्राम पड़ा था। तो इस हिसाब से ये बहुत ही सस्ता पड़ता है। पेयर साबुन आप लोगे तो 100 ग्राम लगभग पड़ता है 50 रुपये का, ये बहुत सस्ता पड़ता है। मैं 6 से 7 बार बना भी चुकी हूँ और आगे कई बार बना सकती हूँ। तो इसे डबल बॉइलिंग सिस्टम से हमें पिघलाना है। तो एक पैन में हम लोग पानी लेंगे और उसमें एक कटोरे में, अलग से कटोरे में ये साबुन रखेंगे, सोप बेस को रखेंगे और इसे पिघलाएंगे। इसको पिघलाने में लगभग 3 से 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। जब ये पिघल जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये जो सोप बेस है इसमें हम ऑरेंज पील पाउडर को डालेंगे। दोस्तों ऑरेंज पील पाउडर एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है। इसमें विटामिन सी भर भर के होता है। ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, झाइयाँ, झुर्रियाँ, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है, एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करता है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इसको आप फेस पैक की तरह यूज कर सकते हो, स्पेशली ये फेस पैक के लिए ही आया है। तो ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत हेल्प करता है। तो इसके बाद हम लोग यूज़ कर रहे हैं मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी भी आप सभी जानते हो स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। स्किन को सॉफ्ट बनाने में, एक्ने, पिंपल और झुर्रियों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, यहाँ तक कि झाइयों की प्रॉब्लम को भी दूर कर सकता है मुल्तानी मिट्टी। और स्किन को सॉफ्ट बनाता है और हमारे कलर को फेयर करता है। तो मैंने मुल्तानी मिट्टी डाल दी है और इससे अब अच्छे से फेट लेंगे। और आपको यहाँ पर
जो ऑयल है लगभग 1 बड़ी चम्मच आपको ऑयल ऐड कर देना है इसमें। इसे अच्छे से फेंट लीजिए। अब मैं यहाँ पर डिस्पोजल ग्लास ले रही हूँ। डिस्पोजल ग्लास में आपको थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए। आप चाहे तो ऐसे भी रखोगे तब भी निकल जाएगा, बट थोड़ा सा मैं ऑयल लगा देती हूँ, रिस्क नहीं लेती हूँ, वरना काफ़ी निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। ऑयल से बड़ा आसानी से निकल लग जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर सोप बनाने का केक मोड जो आते हैं, कप केक मोड, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास है नहीं तो मैं डिस्पोजल ग्लास का यूज़ कर रही हूँ। डिस्पोजल ग्लास में थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद हम जो अपना जो हमने साबुन का लिक्विड तैयार किया है उसको उसमें डालेंगे। दोस्तों इसमें मुल्तानी मिट्टी है जो बहुत जल्दी जमती है और ये गाढ़ा होता है, तो इसे जल्दी से डाल देंगे। और अगर ये गाढ़ा आपको लग रहा है, आपको थोड़ा टाइम लग गया, तो इसे एक बार फिर डबल बॉइलिंग सिस्टम से पिघला सकते हैं। ठीक है, हमने इसको डाल दिया है इसके अंदर। अब मैं क्या करूँगी, इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। दोस्तों आप इसे बाहर भी रख के इसे फ्रीज होने में, इसे सेट होने के लिए रख सकते हो, बट उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप फ्रीज़र में रख दीजिए। और उसके बाद आपका ये साबुन तैयार है। आप इसे काट कर, मतलब डिस्पोजल ग्लास हटा कर, ये साबुन यूज़ कर सकते हो। इसको बाद में फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, आप बाहर रख के इसे आराम से यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने अपने फेस को थोड़ा सा, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ऑयली लग रहा है मेरा फेस, मैंने अभी क्लीन नहीं किया है। थोड़ा सा पानी लगाएंगे, उसके बाद इस साबुन को इस्तेमाल करेंगे, हल्की से मसाज देंगे, फिर नॉर्मल पानी से धुल लेंगे। आप देख सकते हो मेरा कलर भी फेयर लग रहा है, जो एक्स्ट्रा ऑयल है निकल गया, एंड मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, बहुत ही स्मूथ लग रही है मुझे। तो देखा ना दोस्तों कितना इजी है इस होममेड सोप को बनाना। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम सामान में बनता है यार। मुल्तानी मिट्टी बहुत ही बेनिफिशियल होती है हमारे स्किन के लिए, हमारे स्किन के कलर को फेयर करने के लिए। साथ ही जब हम मुल्तानी मिट्टी को यूज करते हैं तो एक्ने की प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, झाइयों की प्रॉब्लम, झुर्रियों की प्रॉब्लम, ऐसे स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हल हो जाती है। और जो संतरे का छिलका होता है उसको जो पाउडर बनाते हैं ना, बहुत बेनिफिशियल होता है। उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी बैक्टेरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंड हाँ दोस्तों उसमें विटामिन सी भर भर के होता है, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और बादाम का तेल भी स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए, स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए अच्छा होता है। और ग्लिसरीन सोप का इस्तेमाल किया है। ग्लिसरीन हमारी स्किन को बहुत अच्छे तरह से हाइड्रेट करती है, हमारी स्किन को स्किन की जो नमी है उसे लॉक करती है, उसे बनाने में मदद करती है। तो दोस्तों इस सोप को जरूर बनाना। सिर्फ 4 चीजों का इस्तेमाल मैंने किया है सोप को बनाने में। दोस्तों मुल्तानी मिट्टी के साथ मैंने संतरे के छिलके का पाउडर इस्तेमाल किया। अगर आपके पास नहीं है तो आप केवल मुल्तानी मिट्टी सोप भी बना सकते हो, या इसके साथ नीम पाउडर यूज कर सकते हो, कुछ भी आप जो आपको पसंद है आपके स्किन के लिए, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, इसे आप बाहर रख के यूज कर सकते हो, ये नहीं कि ये खराब हो जाएगा। मैं ये सोप, दो ही सोप इतने ही बड़ा बनाती हूँ मैं, छोटे छोटे बनाती हूँ, और ये कम से कम 15 से 20 दिन आराम से चल जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर नया बना देते हैं। तो एक साथ बना के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए बनाने वाले हो तो 2 सोप आप बना लीजिए, थोड़ा सा सामान लगना है और बहुत ही सस्ता पड़ता है। ठीक है, बना लीजिए और इसका इस्तेमाल करिए, इसमें कोई भी केमिकल नहीं होगा। तो दोस्तों इसको बनाइएगा और बनाने के बाद उसको यूज करिएगा, और यूज करने के बाद अपना अनुभव जो होगा मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, मेरे व्यूवर्स के साथ कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और पहली बार चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में लगी घंटी बजा दीजिएगा, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन से भी क्लिक कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, दूसरा चैनल ग्लैम श्रुति, उसको विजिट करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।